दोस्तों आज हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की बड़ी हस्तियों में शुमार भारतीय जनता पार्टी को भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले श्री अमित शाह की बुलंदियों तक के सफर के बारे में। दोस्तों इस सफर की शुरुआत होती है मुंबई में तारीख 22 अक्टूबर 1964 को जब जन्म हुआ अमित शाह का। इनके पिता अनिल चंद्र शाह एक बिजनेसमैन थे और वे गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई गुजरात में ही यानी कि मेहसाणा में हुई और इसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद चले गए। वहाँ उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। उनका राजनीतिक करियर कॉलेज के दिनों से ही प्रारंभ हो चुका था। उन्होंने कॉलेज के समय ही आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। सन 1982 में वे आरएसएस में ही नरेंद्र मोदी से मिले। वहां उनकी मित्रता धीरे धीरे और गहरी हो चुकी थी। 1983 में उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन कर लिया था तथा उनका राजनीतिक करियर रुझान पकड़ने लगा था। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में आए और पहली बार अमित शाह 1986 में यानी कि मोदी जी से एक वर्ष पहले ही बीजेपी से जुड़ गए थे तथा 1987 में ही अमित शाह बीजेपी की कार्यकारिणी संस्था भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बने। 1997 में मोदी जी की सिफारिश पर वे पहली बार गुजरात के सरखेज से उपचुनाव लड़े तथा विधायक बने। दोबारा 1998 के चुनाव में वे सरखेज से ही विधायक चुने गए। इसी क्रम में वे 2002-2007 में पुनः सरखेज से तथा 2012 में वे नरनपुरा विधानसभा चुनाव में वे विधायक चुने गए। दोस्तों क्रिकेट के शौकीन अमित शाह 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। 2003 से 2010 तक गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। लेकिन दोस्तों पदोन्नति का ये सिलसिला कुछ वक्त के लिए तब थम गया जब उन्हें सेहराबुद्दीन और कौसर बी के फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में जेल जाना पड़ा था। कुछ राजनीतिक पंडित ये सोचने लगे थे कि अब अमित शाह का राजनीतिक करियर खत्म सा होने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार सीबीआई कोर्ट ने 30 दिसंबर 2014 को उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि अमित शाह ने ही 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने का करिश्मा किया है। लेकिन दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं था। इससे पहले वे अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में सन 1991 में आडवाणी जी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था और साथ ही दोस्तों 1996 में अटल जी जब गुजरात से चुनाव लड़े थे तब भी अमित शाह ने ही प्रचार का जिम्मा संभाला था। दोस्तों 2013 में अमित शाह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था। तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थी। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16वीं लोकसभा 2014 में उत्तर प्रदेश ने 80 में से 71 सीटें हासिल की थी। प्रदेश में भाजपा की अब तक ये सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों वर्तमान में अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में गृह मंत्री का पद संभाले हुए हैं। दोस्तों 2019 के चुनाव जीतने के महज 3 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह का भी सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को भी उन्होंने अंजाम दिया है। तो दोस्तों ये थे बीजेपी को बुलंदियों तक का सफर तय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथा भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले अमित शाह के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप भी कुछ इम्पोर्टेंट पहलू जानते हैं अमित शाह के जीवन के बारे में तो हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।